बिस्मिल्लाहिर्रहमान। माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह की ज़ात आप सबको शाद आबाद रखे और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। आज हम बनाएंगे आम का अचार। तो उसके लिए हम आए हैं आम के बाग में और माशाल्लाह देखें कितने खूबसूरत और कितने सेहतमंद आम यहाँ पर लगे हुए हैं। तो यहाँ से तोड़ेंगे बिल्कुल ताज़ा आम और फिर घर जा के बहुत ही मज़ेदार सा आम का अचार बनाएंगे। आम जो है वो हमने अच्छे तरीके से धो लिए हैं, तो अभी इनकी हम कटाई करेंगे। सबसे पहले ये जो जहाँ पे इसकी टहनी लगी होती है ये हम जो है वो उतार लेंगे छुरी की मदद से। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कटिंग हो गई है। अभी सबसे पहले हम नमक डालेंगे इसके ऊपर, हल्दी पाउडर, नमक थोड़ा सा और डाल लेते हैं। नमक और हल्दी डालने के बाद इसको हम अच्छे तरह मिक्स कर लेंगे और इसे हम तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। इससे ये होगा कि ये पानी छोड़ देगा और वो पानी जो है उसको हमने फिर साइड पर कर देना है और उसके बाद हम अचार जो है वो बनाएंगे। इससे ये होगा कि इसका पानी जो है वो निकल जाएगा और ये अचार जो है वो कभी भी आपका ख़राब नहीं होगा। तो अभी इसको ढाँप के रख देते हैं। तकरीबन 4 से 5 घंटे इसको हमने रख दिया था हल्दी और नमक लगाने के बाद। तो देखें इसने पानी छोड़ दिया हुआ। तो अभी इसको हम डाल लेंगे मिट्टी के बर्तन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी जो है वो नीचे रह जाएगा हमारा। तो ये देखें पानी जो है वो कितना इसने छोड़ा था। तो ये पानी निकल जाएगा तो इंशाल्लाह अचार जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। आम जो हमारे ये तकरीबन 3 किलो हैं, इसमें अभी जो मेथरे इस्तेमाल होंगे वो थोड़े दर्दे कूटे हुए होने चाहिए। उसके अलावा सौंफ हम इस्तेमाल करेंगे और ये तकरीबन 130 ग्राम के करीब है सौंफ भी हमारी और मेथरे भी। तो सबसे पहले हम ये डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौंफ बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, मोटी जो है वो कुटी होनी चाहिए। दर्दरी जो मिर्च होती है सुरख वो भी डाल लेते हैं। थोड़ा सा हम नमक भी शामिल करेंगे और नमक हमने पहले भी लगाया हुआ है आमों को, इसलिए थोड़ा शामिल करेंगे। सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है कलवंजी, जिसके बगैर अचार जो है वो कम्प्लीट नहीं होता। ये ज़रूर डालनी पड़ती है और ये ज़रूर डालिएगा अगर आप बना रहे हैं। तो ये 1 से 1.5 चम्मच इतने आमों में हम डालेंगे। अभी हम चीनी शामिल करेंगे तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच। और चीनी डालने का फ़ायदा ये होता है, एक तो इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है और उसके अलावा चीनी से जो अचार है वो बहुत ज़्यादा नरम नहीं होता, थोड़ा सख्त रहता है। तो खाने में थोड़ा सख्त ही हो अचार तो मज़ा आता है। तो 3 से 4 चम्मच साबुत गर्म मसाला वो शामिल करेंगे। सारी चीज़ें जो हैं वो हमने डालनी हैं। अभी हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेते हैं। अगर चम्मच हो तो चम्मच से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए मसाला जो है वो अच्छे तरीके से आमों के साथ लग गया। इतने आमों में इतना मसाला जो है वो काफ़ी है, सारे आमों के साथ लग गया। अभी हम डालेंगे सरसों का तेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल हमारा अच्छी तरीके से ऊपर आ गया। तो अभी इसको हम डाम के रख देंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए अचार हमारा जो है वो सुभान अल्लाह
कैसा बना? देखने में ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अचार हमारा हो गया तैयार। तो इसी तरीके से अगर आप अचार बनाएंगे, एक तो बहुत मज़े का बनेगा और दूसरा इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। अभी इसको हम ढांप के किसी कपड़े के साथ रख देंगे और 2 से 3 दिन के बाद जो है वो अचार हमारा खाने के काबिल हो जाएगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इसी हिसाब से आप चीज़ें डालिएगा। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो नहीं समझ आ रही कि इतने आम हैं तो इसमें कितनी चीज़ें डालें, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।